हमारा होममेड चाउमीन रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा चिली ऐड कर। गाइस तो आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन विथ पोर्क मीट। तो गाइस हमने पोर्क मीट को आगे पका लिया है, तो ये सब्जियां हमने लिए, अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। चाउमीन को बॉईल नहीं करने से पहले सबसे पहले नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, उसके बाद चाउमीन को डाल देते हैं। फूल हो गया गाइस। हमारा चाउमीन बॉईल हो चुका है, तो अब इसे वाटर को ड्रेन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, तो हमने सब सामान तैयार कर दिया है, तो अब थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, उसके बाद तो गाइस जैसे ही वेजिटेबल ऑयल गर्म हुआ प्याज को पकने, देखिए हम डालेंगे चिल्ली, तो गाइस जैसे ही चिल्ली होते हुए हम डालेंगे हमारे शिमला मिर्च को। तो गाइस ये जो जो सब्जी डाल रहा है ना, ये कंपलसरी है, इसे डालना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप चाउमीन बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद डालेंगे हम हमारा कैरोट को। तो गाइस मैंने सब चीज़ को थोड़ा मोटा मोटा और बड़ा बड़ा पीस में किया है, एक स्ट्रेच पीस में। तो गाइस इसके बाद हम इसको डालेंगे ये हमारा बंडा गोभी। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। सो गाइस इसके बाद हम डालेंगे हमारे नूडल्स को। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस मीडियम फ्लेम में करना है, चाहिए पूरा क्या हो जाएगा। इसे हमने बहुत अच्छा तरह से मिक्स कर लिया है, तो हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो गाइस जब भी चाउमीन बना रहे होते हैं ना, तो सोया सॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए इसके क्वांटिटी को आपको जान के डालना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा डाल दे, मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस देख सकता है कलरिंग पूरा निकल गया है इसका। अब हम और सॉस ऐड करते हैं। गाइस अब हम टमाटो सॉस डालते हैं थोड़ा सा। तो गाइस टमाटो सॉस भी डाल दे, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम चिली सॉस डालते हैं गाइस, चिली सॉस। और गाइस चिली सॉस भी डाल दिया, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अभी से इसका स्मेल बहुत अच्छा सा आ रहा है। और ये चिली, उसके बाद हल्दी डाल देते हैं, और ये हल्दी थोड़ा कलरिंग के लिए, उसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गाइस अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं।
उसके बाद एंडिंग में जाएंगे हमारा मीट, पोर्क मीट है गाइस। पोर्क मीट को मैंने बॉईल कर लिया है आगे में, उसके बाद मैंने डाल लिया था इधर पे गाइस। अच्छा से मिक्स करने के बाद बन चुका है हमारा चाउमीन, होममेड चाउमीन। गाइस हमारा होममेड चाउमीन रेडी है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिली ऐड कर लेते हैं, सूखा वाला पेपर बोलते हैं ना, होममेड मिल। तो गाइस आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंजॉय इट।